हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 15 जनवरी को समाप्त हो चुका है और आज के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने खुद पेपर दिया था, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं। इसके अलावा जीके के टोटल 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में कराऊंगा और क्वांट एंड रीजनिंग में जो पजल्स एंड डीआई पूछे गए थे प्लस ब्लड रिलेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, उन सभी क्वेश्चंस का रियल डेटा के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आईबीपीएस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट पेपर की। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा पेपर आपका क्वांट का ड्यूएबल आया था, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था ना यहाँ पर वो काफ़ी लेंदी पूछा गया था। पेपर आपका ड्यूएबल था, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर काफ़ी लेंदी कर दिया गया था। सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 7 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनमें से मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस बनाया है, वो एग्जैक्ट मुझे याद है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से खुला था, 6a² - 10a + 35 = 4a² + 5a + 10। अब यहां से आप इस इक्वेशन के थ्रू इसका रूट निकाल ले सकते थे और इसी रूट पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से एक क्वेश्चन तो मेरा बन गया, सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं बन पाया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों कि आपका जो रूट है ना, उस रूट को सेकंड वाले रूट से माइनस करने के लिए ऐसे करके कुछ इक्वेशन आपका दिया गया था। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपके 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए थे, तीनों का आप रूट फाइंड कर लेते और इन्हीं तीनों रूट को फाइंड करने के बाद इस पर बेस्ड आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर बात करते हैं अब आपकी डीआई की। डीआई में दोस्तों सबसे पहले जो मैंने डीआई पिकअप किया था वो था आपका पार्क रिलेटेड। इस प्रकार से आपका एक बारग्राफ दे दिया गया था और इस बारग्राफ में टोटल आपके 5 पार्ट दिए गए थे। इसमें से दोस्तों आपका जो लास्ट वाला पार्ट था ना, दैट मीन्स की बाई, यहाँ पर दिया गया था। फिर आपका क्या क्या दिया गया था, x+5 दिया गया था, x दिया गया था, 2x दिया गया था और x+20 दिया गया था। यहाँ पर यह कहा गया था दोस्तों कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, एक्चुअली मंडे, ट्यूजडे, वेडनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर इसे सुधार लेना, एक्चुअली मंडे से नहीं था, संडे को था, मंडे था, ट्यूजडे था, वेडनसडे था और थर्सडे था। यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल जो वैल्यू दिए गए थे वो 500 था और इसमें से यह कहा गया था ना कि आपका जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि बाई है, वो टोटल जो पीपल विजिट कर रहे हैं उसका 1/4 है, यानी कि यह आपका कितना हो जाता, 25% हो जाता। अगर ये 25% हो जाता तो बाकी का वैल्यू हम निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं, तो x+5, x, 2x और x+20, इन सभी को ऐड करते तो आपको मिलता 5x+25 इक्वल टू क्या हो जाता, पूरा जो आपका चार्ट है वो 100% है, जिसमें से एक पार्ट आपका 25% है, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वहाँ पर से 75% होगा। तो यहाँ से आप 5x इक्वल टू निकाल सकते थे 50 और x का वैल्यू यहाँ से 10 आ रहा था, तो 10 अगर आ गया तो यानी कि आपका 15%, या आपका 10%, या आपका 20% और या आपका 30% हो गया। इस तरह से दोस्तों अगर आप बार ग्राफ को सॉल्व करते तो इसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा था ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ सॉल्व, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनसडे और थर्सडे था यहाँ पर दिया गया था। अब इसमें दोस्तों देखिए, आपका संडे में आ रहा था टोटल 150 लोग, मंडे में 100 लोग, ट्यूजडे में 50 लोग, फ्राइडे में, वेडनसडे में 70 लोग एंड थर्सडे में 125 लोग। तो अगर आपका भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू आया है तब आपने इस डीआई को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। पूरा का पूरा डीआई दोस्तों आपका लैंग्वेज बहुत आसान पूछा गया था, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूँ ना, तो 4 से 5 लाइन में आपके एक एक क्वेश्चन दिए गए थे और इसमें भी दोस्तों आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा था तभी जाकर आपको क्वेश्चन समझ में आता, अदरवाइज आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये था आपका पहला बारग्राफ का डीआई। इसके बाद अगर मैं सेकंड डीआई की बात करूं तो वो पूछा गया था दोस्तों आपका मेल और फीमेल का कुछ क्लब दिया गया था, ठीक है, मेल और फीमेल है जो कि एक क्लब में जाते हैं, क्लब में आपका किस प्रकार का दिया गया था, तो ऐसे आपका एक बारग्राफ था, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ रहा था, एक बारग्राफ ऐसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया था रेक्टेंगल के साथ में और एक आपका दिया गया था सर्कल के साथ में। अब इसमें क्या दिया गया था दोस्तों कि आपके ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, 5 क्वांटिटी दी गई है। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो ट्रायंगल था ना, ये 2010 को शो कर रहा है और आपका जो सर्कल है वो 2015 को शो कर रहा है। इधर में वैल्यू में आपका दिया गया था 40, फिर आपका दिया गया था 60, फिर आपका गया था 80, फिर आपका दिया गया था 100 और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बार था ना वो 4-4 यूनिट इंक्रीज कर रहा था, यानी कि आप यहाँ से 4 यूनिट बढ़ते तो आपको 40 मिलता, हो सकता है 40 के नीचे 20 भी दिया गया हो, मुझे ध्यान में नहीं है,
फिर ऐसे ही आप चार चार यूनिट करके आगे बढ़ते तो 40, फिर 60, फिर 80, ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाना था। इसमें आपके टोटल 5 क्वांटिटी थे ए से लेकर ई तक, और इस पर रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 में से दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके काफ़ी लेंदी थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो शायद मैंने स्किप भी कर दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके इसमें डुएबल पूछे गए थे। इसके बाद अगले डीआई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों आपका एक हो गया वारग्राफ, एक आपका हो गया क्लब वाला। इसके अलावा दोस्तों आपका एक डीआई आया था स्ट्रीम से रिलेटेड, इसमें क्या दिया गया था ना, इस प्रकार से आपका दिया गया था ए वी सी और डी, 4 क्वांटिटी दिए गए थे। अब इसमें आपका एक्स और वाई स्ट्रीम का कंबाइंड वैल्यू दिया गया था, फिर यहाँ पर आपका एक्स का वैल्यू दिया गया था और इसमें आपका वाई का वैल्यू दिया गया था। अब दोस्तों कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग थे, जैसे मान लो कि यहाँ 850 है ना, तो यहाँ पर 44% दे दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। यह ब्लैंक है तो मान लो कि यहाँ पर 60% है, यहाँ पर 20% है। अब इसमें क्या वैल्यू आने वाला है, ये आपका कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसी कंडीशन के अनुसार आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपना सॉल्व कर दी। तो इसमें सारे डेटा नहीं दिए गए थे, कुछ कुछ डेटा मिसिंग था, आपको वो क्वेश्चन में दिया गया कंडीशन के अनुसार फाइंड करके अपना आंसर फाइंड करना था। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल डुएबल था, बस जो क्वेश्चन का लेवल दिया गया था ना इन सारे डीआई में, वो थोड़े से लेंदी टाइप के दिए गए थे। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि आपका x प्लस वाई है ना, तो आपका दे दिया गया होगा x प्लस 500, इस प्रकार से करके आपके लेंदी बना दिए गए थे। तो ये था आपका तीनों डीआई। इसके बाद दोस्तों आपका 2 कैसलेट डीआई आया था। कैसलेट डीआई की मैं बात करूँ तो एक डीआई में आपके लगभग 3 क्वेश्चन थे और दूसरे डीआई में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। कैसलेट डीआई बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, इन्हीं तीनों डीआई बनाने में, स्पीड मैथ्स बनाने में और अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाने में मेरा पूरा टाइम चला गया क्वांट का। तो यहाँ पर मैंने आपको डीआई बना दिया, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बता दिए, लास्ट के जो आपके क्वेश्चन बचे हुए रह गए होंगे ना, वो सारे के सारे आपके अरिथमेटिक थे, प्लस आपके 3 से 5 क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी के पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन इतना हाई लेवल का था ना कि उसे बनाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डाटा सफिशियंसी में फंसे होंगे उनका पूरा टाइम चला गया होगा। अरिथमेटिक का क्वेश्चन काफी डुएबल था इन कंपेरिजन टू डाटा सफिशियंसी, एंड डाटा कंपेरिजन के भी 1-2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। उन दोनों ही क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ तो इससे आपका आसान अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक में मैंने 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन क्वेश्चन को नोट डाउन करने का और याद करने का टाइम नहीं रहा। तो इस तरह से मेरे क्वांट में टोटल अटेम्प्ट रहे 25। अगर जिनकी स्पीड थोड़ी और अच्छी होगी तो उनका अटेम्प्ट 27 से लेकर 29 के बीच में गया होगा। अगर मैं एक आइडियल अटेम्प्ट की बात करूं तो क्वांट में अगर आपने 20 प्लस सॉल्व किया है आज के पेपर में, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर साइड में हो क्वांट में, क्योंकि दोस्तों क्वांट का पेपर डुएबल था। अगर 20 प्लस नहीं करके आते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। रीजनिंग एंड जीए का लेवल यहाँ पर काफ़ी अलग दिया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले सब्जेक्ट की, जो कि हमारा है इंग्लिश। तो इंग्लिश दोस्तों जैसा मुझे लगता है IBPS PO का मेंस भी मैंने दिया था, जिसमें मेरे 25 मार्क्स टोटल आए हैं अभी हाल फिलहाल में स्कोर कार्ड जारी हुआ, तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल लगा मुझे इंग्लिश का। अगर आपने आज एग्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको इंग्लिश का लेवल कैसा लगा। इंग्लिश में मैंने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपके सेंटेंस अरेंजमेंट से। जो आपके 6 सेंटेंस दिए गए थे और उसे अरेंज करना था ना, तो उसे बनाने के लिए मेरे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं था लास्ट में, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट किए हैं। यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा था ई से और फिर उसके बाद एफ आ रहा था। तो एक बार आप कमेंट करके इस चीज़ को कंफर्म कर देना कि आपने जो 6 सेंटेंस वाला अरेंजमेंट किया था उसमें यही अरेंजमेंट आ रहा है या फिर और कुछ अलग आ रहा था। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में आपके 2 पैसेज पूछे गए थे। पैसेज दोनों ही डुएबल था और पैसेज से रिलेटेड आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से दोस्तों एक पैसेज आपका सिंपल दिया गया था, सेकेंड वाले पैसेज में 3 पैराग्राफ दिए गए थे, पारा 1, पारा 2 और पारा 3। इन तीनों में कुछ आपके एनालिसिस हो रहे थे, कुछ रिसर्च हो रहे थे और कुछ का कुछ रिजल्ट आ रहा था। उसी एनालिसिस एंड रिजल्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे देखो पहले वाले एनालिसिस में डॉक्टर पाइन से रिलेटेड कुछ रिसर्च हुआ और उनका क्या एनालिसिस रहा, उस एनालिसिस पर बेस्ड आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों आपके सेंटेंस इरर के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, फिलर के आपके टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, फिर इसके बाद आया था यूजेज ऑफ करेक्ट वर्ड, यानी कि आपके 4 सेंटेंस दिए रहते हैं और उन चारों में कुछ कुछ वर्ड दिया गया रहता है, आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में सही रूप से निरूपित किया गया है। अगर जो सेंटेंस में आपका वर्ड करेक्ट नहीं था उसे आपको चूज करके बताना था कि ये सेंटेंस में वर्ड करेक्ट नहीं होगा। तो ये था आपका ओवरऑल इंग्लिश का पेपर रिव्यू, जिसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस का किया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अगर मैं लेवल की बात करूं मॉर्निंग का शिफ्ट का ना, तो रीजनिंग आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल बोल सकती हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो आपका पजल्स बनने लायक था, ना ही मिसलेनियस में ऐसे ऐसे टॉपिक दिए गए थे जिससे आप सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले तो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आया था, वो मैं आपको करवा देता हूँ।
क्वेश्चन में ऐसे था दोस्तों कि जो ए है ना वो माता है किसकी, ई की, ई की माता है, और ई और जी यहाँ पर सिबलिंग है जिसमें से जी लड़का है और ई लड़की है। अब जी की शादी किससे हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है डी से, और डी जो है वो एफ की एकमात्र बच्ची है, ठीक है, ओनली चाइल्ड, किसकी ओनली चाइल्ड है, एफ की। अब डी का यहाँ पर जो अगला बच्चा हुआ उसका नाम सी था, सॉरी यहाँ पर डी का अगला जो बच्चा हुआ था उसका नाम बी था, और बी के ग्रैंडफादर का नाम सी दिया गया था। ये था आपका पूरा अरेंजमेंट, और इसमें कुछ कंडीशन भी दिए गए थे। कंडीशन क्या दिया गया था, सॉरी कंडीशन यह दिया गया था दोस्तों कि जो एज ऑफ ई है ना वो किससे कम होगा, एज ऑफ सी से, सॉरी एज ऑफ ई जो है वो ज्यादा होगा एज ऑफ बी से, एज ऑफ ई ग्रेटर देन एज ऑफ बी, एंड एज ऑफ सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एज ऑफ डी। ये दो कंडीशन दिए गए थे। इसके अलावा दिया गया था दोस्तों कि जो थर्ड एडल्ट पर्सन इसमें है, ठीक है, जो थर्ड एडल्ट पर्सन है उसका एज 52 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपके पूरे कपल्स होंगे ना, जैसे यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ होंगे, तो हस्बैंड का एज हमेशा ज़्यादा होगा वाइफ से उसकी। ये आपके तीन चार कंडीशन दिए गए थे, और इस पर बेस्ट आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझसे एक क्वेश्चन बन नहीं रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग बिल्कुल भी ड्यूएबल नहीं था, एक भी क्वेश्चन जल्दी हिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके दो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का मेरा आंसर आ रहा है 51 ईयर्स, और सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ रहा है डाउटर इन लॉ। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था कि यहाँ पर डाउटर आएगा या फिर डाउटर इन लॉ आएगा। मैंने डाउटर इन लॉ टिक आउट किया है, आप एक बार कमेंट करके कन्फर्म कर देना अगर आपने ब्लड रिलेशन बनाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इस पर अभी आपके तीन क्वेश्चन आए थे, और तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके हार्ड लेवल के पूछे गए थे। अगर आप पिछले दो तीन एग्जाम को ध्यान से देखोगे ना, तो आपके जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं इसका ट्रेंड बिल्कुल हार्ड साइड में चल रहा है, बहुत कम ही ऐसे एग्जाम में आपके डूएबल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया। इसमें इस प्रकार से दिया गया था कि ए एंड बी इक्वल टू बी इज साउथ ऑफ ए, और यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ना, जैसे मान लो कि 9 है तो यहाँ पर 9 से 13 कर दिया गया था, अब किसी में 10 है तो 10 को 14 कर दिया गया, किसी में 7 है तो 7 को 1 कर दिया गया। तो इस कंडीशन को आपको समझना पड़ता तभी जाकर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाती। बाकी आपका एक पूरा अरेंजमेंट दिया गया था, उस अरेंजमेंट को आप सॉल्व कर देते इस कंडीशन के अनुसार, और उस पर बेस्ड आपके टोटल तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों रीजनिंग में अगला जो टॉपिक पूछा गया था वो यहाँ पर आया था, एक मिनट, सिलॉग्स। सिलॉग्स के आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, और सिलॉग्स का लेवल भी काफ़ी हाई लेवल का आया था। इसमें सबसे पहले तो ओनली अ फ्यू ऐड किया गया था, और ओनली अ फ्यू के साथ साथ आपकी पॉसिबिलिटी भी ऐड कर दी गई थी, प्लस आपकी नॉट पॉसिबिलिटी, यानी कि किसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो आप इसे देखकर ही समझ सकते हो कि आपका जो सिलॉग्स है उसका लेवल कैसा रहा था। फिर इसके बाद आपके जो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखो वर्ड के रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी लेंदी था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत लंबा सा वर्ड दिया गया था, लगभग 10-12 लेटर का, मान लो कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इस प्रकार से है, और एक और दे दिया गया था डब्ल्यू एक्स वाई एम एन एस टी, ठीक है। अब कहा क्या गया था ना कि इस वाले वर्ड में आपको सबसे पहले तो जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इसके नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करो, और सेकेंड वाला जो वर्ड दिया गया है इसके प्रीवियस में कन्वर्ट करो। ये कन्वर्ट करने के बाद एम के आगे आने वाली जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, चाहे वो वर्ड फर्स्ट में हो या फिर वर्ड सेकेंड में, उन सभी को प्लस जो आपके वॉवेल आ रहे हैं उन दोनों को रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद जो आपके अल्फ़ाबेट बच जाते हैं उसे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद बताना है कि उनके बीच में कितने फॉरवर्ड बैकवर्ड लेटर्स आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया, जब ऑप्शन को देखा ना तो ऑप्शन में आपके एक भी 2 या 3 नहीं दिए गए थे, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आने वाले आपके वर्ड होगी ना वो या तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे लंबे लंबे दिए गए थे, तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ते ही छोड़ दिया। इसके अलावा भी दोस्तों आपका एक और वर्ड रिलेटेड इसी प्रकार का बहुत ही लेंदी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 3 क्वेश्चन आपके वर्ड से आए थे मिसलेनियस टाइप की, जिसमें से एक मैंने बनाया, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। फिर आपका एक आया था कोडिंग का, कंडीशनल कोडिंग, जिसमें आपके नंबर अल्फाबेट सिंबल्स वगैरह दिए रहते हैं, कुछ कंडीशन दिया रहता है उसी कंडीशन के अनुसार उसका कोडिंग किया रहता है। तो जो आपका मेंस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग होता है ना उसी प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद आपका ट्री वाला इनपुट आउटपुट पूछा गया था, मान लो कि 4 5 2 6 है, 3 7 8 9 है, 5 6 3 4 है, तो इसमें से एक ट्री टाइप का ऐसे निकलता है ना नीचे, इस प्रकार का जो वर्ड बनता है आपका, इस प्रकार का इनपुट आउटपुट पूछा गया था। इनपुट आउटपुट का ज़्यादा प्रैक्टिस मेरा है नहीं, इसलिए मैंने इसे देखा भी नहीं, बस ये समझा कि यहाँ पर आपका ट्री वाला दिया गया था और इसे स्किप कर दिया। 4 क्वेश्चन आपके इनपुट आउटपुट को पूछे गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने एक पजल्स यहाँ पर बनाया है। पजल्स कौन सा बनाया है, तो 16 पीपल
फेस कर रहे थे पैरेलल रो में, 8 फर्स्ट में थे, 8 सेकंड में थे, और इसमें कुछ कंडीशन दिया गया था। कंडीशन क्या दिया गया था ना कि दोस्तों आपके जो ऊपर में होंगे ना ये भी कुछ साउथ होंगे कुछ नॉर्थ होंगे, और नीचे भी जो बैठे होंगे ना वो कुछ साउथ होंगे कुछ नॉर्थ होंगे। साथ ही में दोस्तों आपके जो रो 2 होगा उसमें नॉर्थ फेसिंग पीपल ज़्यादा होंगे किसके कंपेरिजन में, रो 1 के कंपेरिजन में। तो ये पजल मैंने एक सॉल्व किया, इसमें भी मेरे 3 ही क्वेश्चन बन पाए। आपको मैंने बताया था ना कि पजल्स काफ़ी लेंदी आया था, लास्ट के 2 कंडीशन यहाँ पर नहीं बैठ पा रही थी। कंडीशन क्या नहीं बैठ पा रहा था कि इसमें मुझे डायरेक्शन सेट करना था, और डायरेक्शन सेट करने के बाद जो 2 पॉसिबिलिटी मैंने लिया था उसमें से एक पॉसिबिलिटी को हटा देना था। अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं हटाते और क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते ना तो क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि आप चाह कर भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी यह कन्फर्म नहीं कर पाते कि आपका दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा पॉसिबिलिटी सही बन रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 या 3 ही क्वेश्चन बनाया, जो बाकी के 2 क्वेश्चन थे उसे मैंने स्किप कर दिया निगेटिव मार्किंग होने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पजल पूछा गया था जिसमें डेट था 4, इसके अलावा आपके 4 मंथ्स दिए गए थे, ठीक है, और आपके 9 लोगों को अरेंज करना था। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा मुझे लगता है ना कि आपके 4 डेट ना देकर 6 डेट दिए गए थे, और इसमें आपके 9 लोगों को अरेंजमेंट करना था। यहाँ पर एक इसके साथ में वेरिएबल भी दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों एक आपका अल्फाबेट बेस्ड कंडीशनल पजल्स दिया गया था, वो भी मैंने आपका डीप में देखा नहीं। तो ये था दोस्तों आपका रीजनिंग का ओवरऑल पेपर। आपने देखा, अगर एग्जाम दिया होगा तो कमेंट करके बताना कि रीजनिंग में आपके टोटल कितने अटेम्प्ट रहे हैं। सो गाइज, ये था आपका इंग्लिश रीजनिंग क्वांट। इसके बाद दोस्तों अगर मैं जीए की बात करूँ तो जीए में टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने लिख कर लाया है। अगर इस वीडियो में मैं आपको जीए का सॉल्यूशन करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अपलोड करने के जस्ट 5 मिनट बाद ही मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको जीके के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं जीके का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।